Hi everyone, welcome back. And today we will solve this problem that was asked in JEE Advanced 2020. And this is a problem of electrostatics and based on Gauss law. Gauss law is a basic problem. Let's solve it. A circular disk of radius r carries a charge density sigma naught 1 minus r by r. And this is variable. Sigma naught is a constant. R is the distance from center. Electric flux ki baat kar rahe hai. So a large spherical surface. लार्ज स्फेरिकल सरफेस मतलब एक बड़ा सरफेस है कोई बहुत बड़ा उससे कुछ फ्लक्स निकालने की बोला उसको इसने बोला दैट फ्लक्स इज फाई नॉट और एक और सरफेस है स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर बाय फोर उसका रेडियस जो है हमारे पास वो रेडियस है आर बाय फोर मतलब वो कुछ आपके पास छोटा है उससे कुछ आर बाय फोर तक का है वो आर बाय फोर है इससे जो फ्लक्स है वो उसने बोला इसको फाई उनको रेशियो निकालना है दोनों का तो भी जानते हैं कि जो फ्लक्स जो होता है हमारे पास फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है तो मुझे करना क्या है मुझे फाई नॉट बाई फाई निकालना तो ये कितना हो जाएगा जितना उसमें चार्ज होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन जितना चार्ज इनकोस करेगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिस विल बी इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन क्यू दिस विल बी द रेशियो तो एक्चुअल में हमको चार्ज निकालना है कि इस बड़े वाले में कितना चार्ज होगा तो हम देख सकते हैं कि ये स्फीयर बहुत बड़ा है तो इसमें इसका पूरा चार्ज इनक्लोज होगा उसको हमने बोल दिया क्यू नॉट तो छोटा वाला स्फीयर है इसमें खाली r बाय फोर तक जितना चार्ज आएगा उतना इंक्लोज होगा उसको हमने बोल दिया q तो q निकालने की कोशिश करते हैं कैसे निकाल सकते हैं हालांकि डेंसिटी वेरिएबल है तो वी कैन राइट कि सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू इंटू डी ए चार्ज डेंसिटी सो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए अब ये कैसे निकाल सकते हैं तो देखते हैं एक काम करते हैं लेट्स अज्यूम ए डिस्क एंड इसमें अगर वेरिएबल है तो हमको कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा एलिमेंटल रिंग माननी पड़ेगी तो मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस है और हमने ये एलिमेंटल एक रिंग कंसीडर कर ली इसकी जो रेडियस है वो कुछ आर है और इसकी चौड़ाई है वो कुछ डी आर है बस हमने क्यों किया डेंसिटी थी वेरिएबल अब मैं लिखता हूँ चार्ज तो डी क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए डी ए मीन्स इस रिंग का एरिया इस छोटे से एलिमेंट में कितना एरिया हुआ दैट विल बी इक्वल टू टू पाई आर सर्कमफेरेंस इंटू उसकी चौड़ाई डी आर उसको पुट करते हैं सिग्मा नॉट वन माइनस आर बाय आर इंटू टू पाई आर डी आर एंड दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा नॉट टू पाई आर डी आर माइनस आर स्क्वायर बाय आर इंटू इंटीग्रेशन डी क्यू अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे वी विल गेट सिग्मा नॉट टू पाई इंटू आर स्क्वायर बाय टू माइनस आर क्यू बाय थ्री हमने अभी लिमिट्स पुट नहीं करी इसमें लिमिट्स कितनी होगी ब्रैकेट लगा अब लिमिट पुट कैसे करेंगे समझते हैं उसको हमें करना क्या है एक्चुअल में दिस इज डी क्यू एक डी क्यू चार्ज है अब क्या करना है हमको अब हम एक्चुअल में क्यू फाइव नॉट बाय फाइव निकालना था हमको एक तो क्यू नॉट निकालना है क्यू नॉट क्या है क्यू नॉट पूरे में है कि पूरे में कितना चार्ज है इसमें तो पूरे में जब चार्ज निकालना होगा तो वी विल इंटीग्रेट तो क्यू नॉट बाई क्यू निकालना है तो वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम सिग्मा नॉट टू बाई आर स्क्वायर बाय टू माइनस आर क्यू बाई थ्री फ्रॉम जीरो टू आर क्योंकि हमको पूरे में निकालना है बड़े वाले स्फीयर में तो पूरा चार्ज क्लोज करेगा और फिर हम क्यू में निकालना है कि इस छोटे वाले में कितना चार्ज होगा तो हमको इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा सिग्मा नॉट टू पाई आर स्क्वायर बाय टू माइनस आर क्यू बाय थ्री जीरो से लेकर आर बाय फोर तक क्योंकि हमको खाली इतने में चार्ज चाहिए होगा जब बड़े में निकालना तो हमको ये पूरा चार्ज चाहिए होगा ठीक है तो उसको सॉल्व करते हैं ये कितना है सॉल्व करके देखते हैं इसको तो ये कैंसिल हो गया दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर बाय टू माइनस आर स्क्वायर यहाँ पे एक आर भी आएगा आर स्क्वायर बाय थ्री अपॉन आर स्क्वायर बाय फोर का स्क्वायर 32 माइनस आर स्क्वायर बाय फोर का क्यूब 64 इंटू थ्री 192 दिस विल बी इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3 इज 1/6 अपॉन दिस विल बी इक्वल टू 5 अपॉन 192 दैट इज इक्वल टू 192 अपॉन 6 इंटू 5 This will be cancelled out. This is equal to 32. So this is equal to 32 upon 5. मतलब this answer will be equal to 32 upon 5. This is the answer of this question. So बहुत easy है. Simply हमको charge निकालना था
और चार्ज निकालने के लिए हमने गॉस लगाया और फिर उसको डिवाइड कर दिया. लेट्स चेक फॉर दिस क्वेश्चन.